नमस्कार शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथम हेडलाइंस भारत स्पुटनिक वी टीका उत्पादन सेरम इंस्टीट्यूट को डीसीजीआई अनुमति परीक्षण और विश्लेषण तैयार हेब टीका देशर व्यापक टीकाकरण चली प्रक्रिया सेपटे देश में कमुची कोरोना संक्रमण आज विश्व परिवेश दिवस उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन भाव परिस्थिति उपर गुरुत्व परिवेश संतुलन में भारत ने बड़ भूमिका चलित वर्ष थीम परिवेश जैव इंधन केबे आसिब राज्यर कोविड मृत्यु ऑडिट रिपोर्ट बापा मां छेउंड करुछि महामारी अनाथ असहाय शिशुंक तथ्य मिली पारे हेउछि विलंब प्रश्न उठुछि सरकारक कल्याणकारी योजनारु वंचित हेबेनि त शिशु पश्चिम ओडिशा रे कच्छप गति रे न्यायिक व्यवस्था सुनाणी होइपारुनि पड़ी रहिछि लक्षाधिक मामला दीर्घ दिन धरि खाली पड़िछि शहेरु अधिक विचारपति पदवी लोके कहिले पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्टर स्थायी बेंच रही आवश्यकता राज्य पाई खुशी आणिले पछुआ अंचल पिला सर्वभारतीय स्तर में देश में हेले टॉपर कलाहांटीर दुई आईटीआई छात्र रखिले ना देले प्रेरणार वार्ता छुटुछि शुभेच्छार सुअ आसुचे मौसुमी चिंतार चाषी बिलरे सोई रही पाचिला धान मंडी में पड़ रही क्विंटाल क्विंटाल बस्ता प्राक मौसुमी वर्षा करुछे काल आखि आगे नष्ट होउछे चाषीों वर्षकर परिश्रम ढेंकानाल विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा विभिन्न हस्पिटाल जथेष्ट कम रही डाक्तर और नर्स संख्या कोविड चिकित्सा लागि रही अव्यवस्था स्वास्थ्य सेवार वंचित होती साधारण लोके आगक कण हो परिस्थिति एवं भोपाल बीजेपी कर्मकर्ता अभिन्न पदक्षेप पोस्टकार्ड हलदी चाउल वैक्सीन नेबाकु लोकंकु अपील टीका लोकंकु सचेतनतार वार्ता प्रधानमंत्री मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान उपरे गुरुत्व ब्रिटेन आरंभ करबा वरिष्ठ नाट्यकार तथा सढ़ापुढ़ार अभिनेता अटल बिहारी पंडा परलोक होइछि बुला मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइछि किछि दिन हेला देह असुस्थ थिबारु बुर्ला पड़ डाक्तरखाना चिकित्सित होते मृत्यु बेलू 91 वर्ष होता से होती जातीय पुरस्कार प्राप्त से दुई थर राज्य श्रेष्ठ अभिनेता भाव पुरस्कृत होते एने अधिक सूचना पाई आम सहित सीधा सड़क जोड़ी रही फोन लाइन आम सहित आम प्रतिनिधि सुवर्णपुर प्रतिनिधि सत्यव्रत जाना चाहिए ये दुखदायक खबर आसी पहुंचुची एभली सकाल मुहूर्त तो कौन रही घटनाक्रम केहांत है देखो माधुरी निश्चित भाव में यह गोटे पश्चिम ओडिशार जन विशिष्ट कलाकार निधन हो सारा पश्चिम ओडिशा आज शोकर छाय खेली जाइए जहाँपाई सी जड़े 91 वर्षर वयस्क थे आज युवावस्था जो रुचि था से युवक निजक प्रमाणित करुले गत राति 3:45 देहांत तो होती गत किसी दिन है से गुरुतर अवस्था बुर्ला बड़ मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था थे यह खबर शुणला पर सारा अंचल सकल छाय खेली समस्त मुहर से गोटे कथा सलाबुला चलीगले सलाबुला चढ़ीगले तो निश्चित भाव में गोटे अपूरणीय क्षति हो पश्चिम ओडिशावासी माधुरी निहाती ये गोटे अपूरणीय क्षति बोली पश्चिम ओडिशा और सारा ओडिशा कहवा किंतु आज जो अटल बिहारी पंडा परलोक आज जो टली पड़ते आम कहीपर प्रकृत में पश्चिम ओडिशा रे किभली शोकाकुल परिवेश देखते परिवार वर्ग रे किभली परिवेश देखुं देखु छुआ रु बुढ़ा पर्यटन जानी से जड़े हास्य कलाकार थे अभिनेता नाट्यकार थे से जातीय स्तर में विभिन्न पुरस्कार पाई राज्य दुई थर श्रेष्ठ अभिनेता भाव में पुरस्कार 84 वयस जड़े श्रेष्ठ अभिनेता भाव विवेचना हो राज्य सरकार द्वारा तो निश्चित भाव में अंचलवासियों एक शोकर बार्ता देखे सका सका जहाँ आम खबर रखुलू जे गत गोटे मस देह असुस्थ थिला एवं विभिन्न समय आईसीयू रे भर्ती होते बुर्ला बड़ मेडिकल गत काली रातिर
ଦେହ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ 3:45ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୃତ ଏଇ ମର ଶରୀର ବୁର୍ଲାରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଆଜି ସେଇ ହସାୟପା ମଣିଷଟି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାମ୍ନାକୁ, ଆଉ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଥାନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଏଭଳି ଖବର ଆସୁଛି ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ବୁର୍ଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁକୁ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଅଛି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବୁର୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ବିନିକା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି, ସେଠାକୁ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେହେତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ଆଜି ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି 91 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବା 91 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ହସାଉଥିଲେ ମଣିଷଟି ଆଜି ଆଉ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଶଳାବୁଢ଼ାର ଅଭିନେତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସେରମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ସେରମକୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଡିସିଜିଆଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାପରେ ସେରମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନିଜର ହଡପସର ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଫେସିଲିଟିରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ସେରମ ପୁନେ କାରଖାନାରୁ ଏହି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସିଇଓ ଆଦର ପୁନୱାଲା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକାକୁ ଭାରତର ତୃତୀୟ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଭାବେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସେରମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ ଫର୍ ବେଟର ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ। ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ବା କୋଇଲା ଆଧାରିତ ବିଜୁଳି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ହେବ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଇନ୍ଧନର ଉତ୍ସ ବାହାରିବ, ଅଥବା ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛଲତା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାକି ଇନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ଭାରତରେ 2020ରୁ 2025ରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର E20 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ April 1, 2023ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁନେର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ E100 ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ 11:00 ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ନୀତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 11:00 ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ନୀତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।
तेज आज विश्व परिवेश दिवस चलित वर्ष विश्व परिवेश दिवस थीम रही प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट माने सुस्थ परिवेश जैव ईंधन इन अधिक सूचना आम सहित दिल्ली प्रतिनिधि जोड़े रही गगन विश्वाल। गगन आज विश्व परिवेश दिवस आछ समय अपेक्षा और चलित बर्ष जहाँ थीम रही आछ समय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनेक कार्यक्रम में जोगदेवार रही संपूर्ण बरणी कौन रोचे देखो निश्चित भाव गत काली आम जी सीएसआर बैठक कथा कह निश्चित भाव से गोटे परिवेश जो आगो को चैलेंजेस रही से नहीं प्रधानमंत्री सीएसआर बैठक में ऑलरेडी गत काली डिस्कशन करते जे आगो को जो चैलेंजेस खास कर ग्लोबलाइजेशन जो भाव नुआ नुआ संतुलन सृष्टि करश्चित भाव वैज्ञानिक मानों पर गोटे बड़ चैलेंज हो गत काली प्रधानमंत्री निजर अभिभाषण में उल्लेख करते तेज निश्चित भाव आज जेहेतु विश्व परिवेश दिवस रही देखिए वर्तमान जो कोरोना महामारी समय गत वर्ष जो भाव सारा विश्व अनेक देश में लॉकडाउन शटडाउन जारी है देखा गला कौटि ना कौटि जो कलकारखाना बंद होगा पर परिवेश संतुलन पुणि थे फेरी प्रत्यावर्तन करनेक जगह अनेक जी कह आश्चर्यजनक जिनस देखा मिलला डाल लेक कतर आरंभ करी विभिन्न नद नदी जलस्तर सफा होगा लगी कि देखिए निश्चित भाव दिनक दिन जो ग्लोबलाइजेशन हूँ अधिक कलकारखाना हो मनिषर जो लाइफस्टाइल चेंजेस होती सबुठ अफेक्ट हूँ एनवायरमेंट तेज निश्चित भाव से दिगरे आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया प्रधानमंत्री से भाग ने निश्चित भाव अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण कथ प्रधानमंत्री उल्लेख करेंगे और खास कर ऊर्जा उपर प्रधानमंत्री फोकस करना आगामी दिन में ये गोटे बड़ा चैलेंज हे खास कर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और परिवेश जंगल जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो मिलित भाव ये आयोजन करते निश्चित भाव जैव ईंधन को प्रधानमंत्री हुए तो उत्तम परिवेश निम्ते प्राथमिकता दे पारती जोटा कि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान फोकस करते प्रति बैठक में जैव ईंधन उपर गुरुत्व दिं कहीं अनेक गुड़े भारत वर्ष जंगल रही जो जैव ईंधन गुड़िक आम यूज कर पारू तेणु से मंत्रालय गुड़ी आहरी किभली भाव प्राथमिकता दिजो इथानल मिश्रण निश्चित भाव रोडमैप प्रस्तुत करने गोटे 2020-25 जो विशेषज्ञ कमिटी द्वारा जो गोटे मेसेज दिया तो निश्चित भाव अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण कथा अच्छी प्रधानमंत्री क्यों कथा को निज अभिभाषण में गुरुत्व दूसरी और कौन मेसेज दूसरी ता निश्चित भाव जी कह आम 11 जो भाग ने चित्र स्पष्ट हो कि निश्चित भाव जैव ईंधन उपर प्रधानमंत्री गुरुत्व रूप दे पारती आज विश्व परिवेश दिवस अवसर में निहत्या जैव ईंधन उपर गुरुत्व दिजो विशेषकर मानने सुस्थ परिवेश जैव ईंधन कथा कहुच्छे अर्थात आज विश्व परिवेश दिवस आउ किसी समय अपेक्षा आ किसी समय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में जोगदेवे और अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण बार्ता दे पारती जहाँपुर सारा देशवासी नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचना आगक रही अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर हेले समय हो कमर्शियल ब्रेक ब्रेक पर स्वागत। सर्वोच्च न्यायालय कोरोना द्वारा अनाथ एवं असहाय हो पड़ा शिशु तथ्य आज अर्थात जून 5 तारीख सुधा जातीय शिशु सुरक्षा संरक्षण आयोग वेबसाइट बालस्वराज अपलोड करने को समस्त राज्य सरकार को निर्देश देते अंपटे राज्य में कोविड मृत्यु ऑडिट रिपोर्ट आसीना एवं प्रश्न उठू अनाथ असहाय शिशु संपर्क में तथ्य मिलपे विलंब होने उभय केन्द्र और राज्य सरकार कल्याणकारी योजन वंचित हो नहीं तो ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत कंटापाली गाँवर नरेन्द्र प्रधान मे 1 तारीख रे जीवन युद्ध हारीगले घरे विधवा पत्नी दुई पुओ झियो एही परिवार परी अनेक परिवार रो शिशु को अनाथ करी देछि महामारी घर केमिति चलिबो सेही चिंता रे परिवार लोके अनाथ शिशु को सहारा किए देव घर रखल दिन बेस तो आम झारसुगुड़ा हस्पिटाल के लिए से बरगढ़ आप संबलपुर संबलपुर किसी दिन रहा से मैं 1 तारीख खराब हो गले से आम घर मुखिया थे जे कि सब काम करते आर अच्छा कई काम कमार लगे ना ना माँ एक अच्छे आम दु छुआ भल पढ़ु आचन आमको पढ़ावार लगे कई नान तो आम सरकार किसी सहायता मगुचे झारसुगुड़ा जिला ब्रजराज नगर ओपीएम कॉलोनी रे रहुथिबा
दुई जाला भाई भूनी अनाथ हो जाइछंती। जिला प्रशासन सहायता रे दुई शिशु को उद्धार करी शिशु जत्न अनुष्ठान रे रखा जाइछि। सरकारी तथ्य अनुसार देश में गत मे 29 तारीख जाए 1742 जन शिशु कोरोना जोगु अनाथ होइछंती। 7464 जन शिशु माँ किंबा बापा को हराई अनाथ हो पड़िछंती। ओडिशा रे एभली शिशुंक संख्या मात्र 24 रे सीमित रहिछि। तेबे एही संख्या को सहजरे ग्रहण करि पारु नांती सामाजिक कर्मी। जेतिक डेथ रिपोर्ट अछि मे 29 तारिख पर्यंत 24 जण कर थिला, किंतु ताहा सहसह होइ पारे, सारा राज्य रे सहसह अनाथ शिशुंक चिन्हट होइ पारे। खाली झारसुगुडा जिला रे मध्य खाली 30 जण अठु ऊपर हेबे, तेणु ताकू किपर ठिक्स भाव में चिन्हट करी तांकू सरकारी मौलिक सुविधा किंबा किपर दिया से विषय में सरकार चिंता करा उचित। विशेषकर झारसुगुड़ा जिले में कोविड मृत्यु ऑडिट रिपोर्ट आसिबारे विलंब होतिबारु वर्तमान अनाथ पिलांक तथ्य संग्रह पई असुविधा सम्मुखीन होतिबा स्वीकार करिछंती जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी। एपटे कोविड मृत्यु को नहीं खूब शीघ्र रिपोर्ट प्रदान करा जिबो बोली कहिछंती झारसुगुड़ा सीडीएमओ। कोविड डेथ रो जति रिपोर्ट पाइछु वर्तमान सुधा 61 कोविड ऑडिटर डेथ आम 2020 पर ठारु कोविड हेला दिन ठारु जति डेथ होइछि ता भितरु आम प्योर अर्थान अर्थान कहिले उभय बापमा ए कोविड रे मृत्युवरण करथिबे किंबा गोटे बापा माँ आगुरु किए मरी जाइथिबे एवं ए कोविड रे अन्य जनक बापा बा माँ मरी जाइथिबे, तो से पिला माने प्योर अर्थान एवं सिंगल पेरेंट मध्य रहउछंती जे कि कोविड रे अर्थान होउछंती, तो ए दुईटी कैटेगरी को नेकी करा देउछि। आउ एथिरे आमर बालस्वराज रे जो पोर्टल करा देछि सेथिरे आम जिला रे आज पर्यंत आमे गोटिए परिवार रो तांकर पिता आगुरु मरि जाइथिले ओपीएम कॉलोनी जो ब्रजराज नगर रे एवं तांकर छुआ दुईटी अर्फान हो गले कारण तांकर माँ मृत्युवरण कले कोविड रे, तो से दुईटी पिलांक आमे उद्धार करिछु ट्विन्स पिला से गोटे पुओ गोटे झियो तांकु आनिकि केयर रे रखा जाइछि एवं ता पई डीएसएस को टीम मध्य जाइकि ताकु 15 दिन भितरे भत्ता देबा पई व्यवस्था करछंती। जो पिले माने बापा मा मरिगले पिला अर्फान हो जाउछंती तो से मानकर डेथ ऑडिट रिपोर्ट शीघ्र देले से माने तापर सरकार तरफ जो जहाँ साहय पाइबार अच्छे से माने सेटा प्रोसेसिंग करिवे आने आमे मध्य सेटा करि चालिछु जति कि रिपोर्ट आम दबा कथा जोटा मागुचंती आमे तुरंत से मानको दबा व्यवस्था करिछु एवं जेते शीघ्र ऑडिट हबो तापर आमे सेते शीघ्र लोक माने उपकृत हेबे सेते आमे विशेष जतन मान मध्य अछु। एबे प्रश्न उठुछि अनाथ असहाय शिशुंक संपर्क रे तथ्य मिलिबारे विलंब होतिबारु एमाने उभय केन्द्र और राज्य सरकार कल्याणकारी योजना वंचित हेबे नहीं, तो झारसुगुड़ा सुरेन्द्र बारिकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अघुरुचने किछ गुरुत्वपूर्ण खबर हेले एबे समय होछि एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत। चिंतारे पश्चिम ओडिशा चासे धान बिक्री होई पारु नथिबा बळे वर्षा काल हलानी केउठे बिलरे धान चासरे पानी लहड़ी खेलुछि तो आउ केउठे मंडीरे खोला आकाश तळे भिजुछि धान। वर्ष वर्षर परिश्रम आखि आगरे नष्ट होई जाउथिबार देखि हताश चासे आगो को मौसुमी आसुथिबा बळे एहाकुनि चिंतारे चासे। बिलरे सोई रहिछि पाचिला धान किछि कटा होइछि आउ किछि कटा होइ धान केंडा उपरे पानी अनेक केंडारे गजा बाहरी गला। ए दृश्य होची सुवर्णपुर जिला उलुंडा ब्लॉक हजबोलपुर गाँव गाँव में चलित बर्ष लिफ्ट मध्यम पखापाखि 100 हेक्टर जमीन रबि चाष होतीमु केवल 30% धान कटा सरता बेले बाकी धान बिले रही अदिनिया वर्षा जो चाषी पाचिला धान फसल सबु नष्ट हो जाए। खाली से नुहे अमल होता चाष कूआपथर और बर्षा माड़ क्षतिग्रस्त हो दुनिया बर्षार लगे बर्तमान भी बर्षा चलीजे आत मान के आंठुए लेखे पा रही जाइए आती आम धान सब पड़ी खराब हो गलाना हार्वेस्टर आनिक धान काटि नहीं पारना। बर्षार लगे अज्ञा 3-4 दिन जो लगातार बर्षा हो गया धान मान क्षेत पड़ी अज्ञा पूरा गजा हो गलान आ धान मान अज्ञा पूरा गजा होकर नष्ट हो गलान आईटा काटिक आनबार लगे संभव भी ना हो पार अज्ञा कौन सी जगह गाड़ी भी ना ढुकबार आउ समस्त आर आई मान को कही दे तार प्रपर एसेसमेंट करेंगे आमको रिपोर्ट दे हिसाब से क्षय क्षति आकलन कर आमर
ହାର ଥ୍ରୋଟିକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ିଟା ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀମାନେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ ବସ୍ତା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକର। ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଦା ହୋଇଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡଳ, ମିନଗୁରୁ, କୋଟାଗା ଏବଂ ତୁଲିକିବନ୍ଧ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସବୁ ଓଦା ହୋଇ ଗଜା ହେବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ସରନ୍ ମୌସୁମ ପଲେଇ ଆସିଲା, ପଲେଇ ଆସିଲା ଧାନ ସବୁ ଭିଜିକରି ଯିବାର ଉପରେ ହେଇଗଲା, କେତେ ଭିଜି ବି ଗଲା ଚାଷୀଟା। ଏବେ ଚାଷୀ ହନ୍ତି ଯିବାର ଉପରେ ରହିଗଲେ ନା, ଏବେ ମଣ୍ଡି ଯଦି ଧୀମେ କରି ଚାଲବା ବେଲେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଚାଷୀ କାଟା କାଟିଛେ କାଟନି କାଟିଛେ ଏମିତି ହେଇକରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକରି ରହିଯାଉଛେ। ଟୋକନ ମାନେ ଯଦି ତାର ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏ ଉଠିଲାନି ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଧାନ ବିକ୍ରି ଚିନ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସାରଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ବସ୍ତା। 85 ଜଣ ଚାଷୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 65 ଜଣଙ୍କ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ଧାନ ଉଠିବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମୟ ସରିଗଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିନାହିଁ। ସେପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବାରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରୁ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବହୁ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ମାଝି। ଆମେ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରର ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଅମଳ ହୋଇସାରିଲାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିକେ ଟୋକନ ଯାଇନାହିଁ। ମୋର ଗାଁର ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆସିଛେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର 98 ପ୍ୟାକ୍ସ ଚାଲିଛେ, ମାନେ 100 ପ୍ୟାକ୍ସ ହାରାହୁରି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଯଦି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ ଟାର୍ଗେଟ, ଗୋଟେ ଚାଷୀରେ 120 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଚାଷ ଅଛେ ତା ଟୋକନ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକିବା ବେଲେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆର ଆଗାମୀ ଦିନେ ନାଇଁ ବିକିପାରେ, ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। 2-3 ଜିନିଷ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଧାନ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ଖରିଫରେ ଯେତେ ବି ଧାନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସରକାର ଆକଳନ କଲା ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଇରିଗେଟେଡ଼ରେ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼ରେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାଉଲ ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇବ। ଆମେ ତ ପଠେଇଛୁ, ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବୁ। ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ମିଳାଇଯିବା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ରାଜ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।